क्या हालचाल है दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दो कमाल के मॉडल आपके लिए लेकर आया हूँ जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुए हैं ओप्पो के, ओप्पो रेनो 11 प्रो और ओप्पो रेनो 11। ये दोनों फोन मेरे पास इस वक्त हाथ में है। रेनो 11 की प्राइस अभी 30,000 है और रेनो 11 प्रो की प्राइस है 40,000। अब देखो दोनों में 10,000 का डिफरेंस है। हो सकता है आपने ऑनलाइन अभी चेक कर लिया होंगे इनके फीचर क्या क्या है और उस हिसाब से आपने मन बनाया भी होगा इन दोनों को परचेस करने का। लेकिन इन दोनों को परचेस करने से पहले एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना क्योंकि ये आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। देखो दोनों में 10,000 का डिफरेंस तो है और कुछ फीचर्स का भी डिफरेंस है। एक बार मैं इन दोनों के फीचर का कंपैरिजन जल्दी से आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद में ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये किन किन फीचर्स की वजह से आ रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ में अपन इन दोनों के कैमरा का कंपैरिजन भी करेंगे जिससे पता चलेगा कि इनमें कहाँ डिफरेंस आता है। तो चलो जल्दी से इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ओप्पो रेनो 11 प्रो के प्रोसेसर से। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 का 5G प्रोसेसर मिलेगा 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड वाला, और रेनो 11 के अंदर आपको डायमेंसिटी 7050 मिलता है। हालांकि दोनों डायमेंसिटी के हैं तो बैटरी कम कंज्यूम करेंगे, बैटरी दोनों में आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। अब बैटरी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में आपको अलग अलग बैटरी बैकअप मिलने वाला है। जैसे रेनो 11 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपका आराम से एक दिन तो पूरा निकाल ही देगी, और रेनो 11 प्रो के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4600 mAh की। हालांकि ये भी आपका एक दिन पूरा निकाल देगी। रेनो 11 प्रो के अंदर आपको अडैप्टर मिलता है 80 वोट का, और वहीं रेनो 11 में आपको अडैप्टर मिलेगा 67 वोट का। दोनों में सुपर बुक अडैप्टर है। इनकी बॉडी मुझे काफी अच्छी लगी दोनों में, आप देख सकते हो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा भी, इस वक्त स्पार्कल्स दिखेंगे आपको दोनों के बैक में, और काफी शाइनी सी बॉडी है। हाथ में लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग सा ट्राई किया है। अलग अलग डिजाइन के स्मार्टफोन आ रहे थे, अब की बार कुछ अलग डिजाइन हमने हाथ में लिए। दोनों में एक फीचर मुझे काफी सही लगा वो था IR सेंसर। दोनों में ही आपको IR सेंसर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्क्रीन की तो स्क्रीन आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली मिलेगी, AMOLED डिस्प्ले 6.7 इंच की, और ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है, आपको सनलाइट में भी इजिली विजिबल है। और अब अपन बात करते हैं इनके कैमरा की। सबसे बड़ा डिफरेंस ही कैमरा में आ जाता है। फ्रंट कैमरा दोनों का 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। बैक कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है जिसमें रेनो 11 प्रो और 11 में दोनों में आपको बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है। मेन कैमरा रहेगा विद OIS आता है, और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है विद 2x ऑप्टिकल जूम, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये तो सब कुछ सेम हो गया, फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल और बैक कैमरा बिल्कुल सेम है, तो फिर डिफरेंस कहाँ है? दोनों की क्वालिटी आपको डिफरेंट मिलेगी, दोनों का आउटपुट आपको अलग अलग मिलने वाला है। भले ही 50 मेगापिक्सल का है चाहे 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल कोई फर्क नहीं पड़ता। मेगापिक्सल सेम होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप दोनों हाथ में लेके इनका डिफरेंस चेक करोगे कैमरा ऑन करके तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसके सैंपल भी स्क्रीन पर आगे दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां डिफरेंस आ रहा है। देखो दोनों के कैमरा अगर अपन ऑन करके देखते हैं तो दोनों में आप फोटो ऑन करके जब आप देखोगे तो आपको कलर का ही डिफरेंस वही दिख जाएगा। रेनो 11 प्रो के अंदर आपको थोड़ा नेचुरल सी फोटो आती है, और वहीं 11 में आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। पोर्ट्रेट मोड में भी आप जाओगे तो वहाँ पे देख सकते हो दोनों 2x से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी शार्पनेस का डिफरेंस आता है। स्लो मोशन में दोनों ही में ही आप फुल HD में 480 FPS पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी जब आप जाके देखोगे तो दोनों में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरे में भी आप 4K से रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे, और फुल HD में आप 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों फोन में रियर कैमरे से। लेकिन एक चीज है, दोनों में फ्रंट कैमरे से आप 30 FPS पर ही रिकॉर्ड कर पाओगे, 60 FPS का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। एक और चीज का डिफरेंस है कैमरा में ही, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप पोर्ट्रेट वीडियो बनाना चाहोगे तो पोर्ट्रेट वीडियो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो बैक कैमरे से काफी मेजर डिफरेंस मिलेगा। यानी कि रेनो 11 प्रो में आप बैक कैमरा से फुल HD में 30 FPS पर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD में 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन रेनो 11 में फुल HD में आप फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, पोर्ट्रेट वीडियो की बात कर रहा हूं मैं यहां, लेकिन बैक कैमरे से 720 पिक्सल पर ही रिकॉर्ड होती है, वो भी 30 FPS पर, और उससे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। इनका जो ओवरऑल आउटपुट है मुझे काफी सही लगा। एजेस थोड़े थोड़े छोड़ देता है पोर्ट्रेट वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हो, लेकिन फिर भी आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। AI टच भी आपको दोनों के अंदर ही मिलने वाला है। जब आप फोटो कैप्चर कर लेते हो तो उसके बाद में थोड़ा सा फोटो को एनहांस कर देती है, जिससे आप चाहे कितने भी बदसूरत क्यों नहीं दिखते हो लेकिन आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो। साथ में काफी सारे आपको इसमें फिल्टर्स भी मिल जाएंगे जिससे आप और भी ज्यादा हैंडसम दिख सकते हो। नहीं, आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ फोटो कैप्चर करो, रेडी टू अपलोड है, कहीं भी अपलोड कर दो, आपका काम हो गया। तो
ये इनमें डिफरेंस था, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने सैंपल भी देखा होगा स्क्रीन पे, तो आपको पता चल गया होगा कि ये इतना बड़ा जो डिफरेंस था वो क्यों आ रहा है। वो इसी वजह से आया क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरा ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है Reno 11 Pro के अंदर, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन क्वालिटी भी ओवरऑल काफी ठीक थी, मुझे अच्छी लगी, और प्रोसेसर भी इसमें आपको काफी एडवांस है, जहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो काफी बेटर निकल के आएगा। इवन अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, सेम टाइम पे काफी सारी एप्लीकेशन यूज करते हो, अगर आप हेवी गेमिंग करना चाह रहे हो, तब भी आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब देखो इनमें आपको मैंने फीचर्स का डिफरेंस तो बता दिया है, अब एक सवाल जो कि आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि दोनों में अगर 4K रिकॉर्डिंग पॉसिबल है और आपको YouTube वीडियोस बनाने के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए या फिर इसी टाइप से रील्स शॉर्ट बनाने के लिए अगर आप इन दोनों में से कोई फोन एक परचेस करना चाहते हैं, तो फिर दोनों में से आपको कौन सा ले लेना चाहिए। तो देखो दोनों में आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो, दोनों में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, स्टडी वीडियो रिकॉर्ड होगी, क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी निकल के आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस की बात करो, Reno 11 Pro वो काफी ज्यादा बेटर वर्क करता है, वहाँ पे प्रोसेसर भी अच्छा है, चार्जिंग फास्ट है, बैटरी खत्म होने लगी तुरंत चार्ज करो जल्दी चार्ज हो जाएगा, कैमरा क्वालिटी भी आपको काफी बेटर मिलेगी, सोनी IMX के सेंसर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, आपको अगर आउटडोर में या इनडोर में नाइट में भी अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आप यूट्यूब के लिए या फिर शॉर्ट रील के लिए लेना चाह रहे हो, तो फिर आप Reno 11 Pro की तरफ जाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है तो फिर आप लाइक करके जाना, और इसी वीडियो देखते रहने के लिए आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, और अगर दोनों में से कोई भी फोन परचेस करना चाहते हो तो फिर स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर कॉल करके आप प्रीपेड ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।